हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और जानते हैं आप कि एवरी ईयर सीमेट जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं जो कि आपके एडमिशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये अगर आपके पास इसका स्कोर कार्ड होता है तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इस बार यानी कॉमन एडमिशन यानी जो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो होता है सीमेट होता है, इसका जो 2022 का जो एग्जामिनेशन है, जो इसका जो पूरा शेड्यूल है, ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है, ये पूरा प्रोस्पेक्टस आ चुका है एग्ज़ाम का, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने का जो पूरा प्रोसीजर है उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है सीमेट का। आपको बता दें कि सीमेट जो एग्ज़ाम से इसको कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और बेसिकली ये एक कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट है जिसके जरिए से क्या होता है, आपको आप जब एडमिशन लेते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्स में तो इसके स्कोर कार्ड से आपके एडमिशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। स्पेसिफाइड MBA जैसे कोर्सेज में अभी हाल के दिनों में जब एडमिशन का प्रोसेस बिहार के पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा था, जब मैं लगातार आपको एडमिशन से रिलेटेड अपडेट दे रहा था, तो शायद आपने गौर किया होगा कि MBA के एडमिशन में जिनको भी MBA का एडमिशन लेना था तो उनके लिए स्कोर कार्ड एक प्रायोरिटी करता था कि अगर आपके पास सीमेट जैसे अगर एग्ज़ाम्स का आपके पास स्कोर कार्ड है देन फिर आपका एडमिशन में ये ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाता था। तो सीमेट 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करने का पूरा डेट आ चुका है, पूरा प्रोसीजर है। तो जिस भी कैंडिडेट को सीमेट का आपको एप्लीकेशन सबमिट करना रहे वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके पूरे प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये छोटा सा वीडियो है बट इसमें जो सारा इन्फॉर्मेशन है पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे। साथ में बता दें कि सीमेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया है, तो क्या कुछ एग्जाम पैटर्न है वो पूरे पैटर्न के बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं और जो भी कुछ अपडेट है सीमेट से रिलेटेड वो सारा अपडेट आपके साथ डिलीवर करते हैं। साथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो पूरी लाइव वीडियो है वो भी लाइव वीडियो अवेलेबल करा देंगे। अगर कोई कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं, अगर वो डिटेल्स वगैरह को देते हैं, तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के साथ साथ ये पूरा ऑनलाइन का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पहुंचाएगा आपको, तो वो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं देन वो भी पॉसिबल हो जाता। सीमेट पर रजिस्टर होने की जो सारा पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सारा पैटर्न है पैटर्न आपको दिखा देते हैं और क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं फिलहाल वो सारा थिंग्स को एक जगह कंक्लूड करके देखिए यहाँ पर रखा हूँ, आप इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पर हम लोग को रीडायरेक्ट करना है, जहाँ से ये जो सारा नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के कैंडिडेट हैं जो आपसे सीनियर हैं जूनियर हैं, जो आपको कई प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। वो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सीमेट का एग्जाम दे के रखे हुए हैं, तो आप वो कैंडिडेट से सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं। तो वो एक बेनिफिशियल स्टेप है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होते हैं देन वो आपका ही बेनिफिट होगा। अब थोड़ी सी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो सीमेट के लिए आपको 50% आपको मार्क्स लाना होता है ग्रेजुएशन में, और 45% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएट के साथ साथ आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 45%। मार्किंग स्कीम के बारे में बात की जाए तो मार्किंग स्कीम अपना ध्यान रखिएगा कि 4 मार्क्स पर सही आंसर के लिए, पर करेक्ट आंसर 4 मार्क्स एंड 1 मार्क्स बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। एंड आगे के बारे में बात की जाए तो एप्लीकेशन फी के बारे में, तो एप्लीकेशन फी आपका 1600 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी के गर्ल्स के लिए, और 800 रुपीज़ फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड बॉयज़ के लिए, एंड 700 फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड गर्ल्स के लिए। याद रखिएगा जनरल कैटेगरी में भी आपका जो सारा SC ST छोड़ करके जो भी सारा कैटेगरी है सारा कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आता है, तो आपको 1600 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। एग्जाम के बारे में बात की जाए तो एग्जाम सेक्शन में आपको पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग्स, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन के पैटर्न हैं। वहीं अगर सिलेबस की चर्चा की जाए तो सिलेबस में ध्यान रखिए कि सिलेबस में आपका पैराग्राफ कॉम्पिटिशन, सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश यूजर्स एरर्स, एलिगेशंस एंड मिक्सर्स, परसेंटेज एंड मेनी अदर टॉपिक्स होता है। और ये जो कंडक्शन से बॉडी जो बॉडी कंडक्ट करती है वो आपका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके थ्रू ये सारा एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू वो सारा नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करने का प्रोसीजर भी बताएंगे। साथ में आपको बता दें कि सीमेट के प्रिपरेशन के लिए कई प्रकार के बुक्स भी आते हैं जिसको आप परचेज करते हैं तो आपके लिए बेटर होता है। और सीमेट बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है आप देख सकते हैं। सीमेट बेसिकली यूज होता है MBA के एडमिशन में, PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में, और एग्जीक्यूटिव PGDM यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, डिप्लोमा मैनेजमेंट में, और PGCM जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सीमेट एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सीमेट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे कोर्सेज में अगर आपको इन फ्यूचर एडमिशन लेना है, या फिर इस बार आपका एडमिशन लेते लेते आप रह गए हैं, आपका कट ऑफ वगैरह मैच नहीं किया, या इस बार अगर आपके पास सीमेट का स्कोर कार्ड नहीं था देन आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो अगली बार ऐसा गलती ना हो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें और सीमेट के एग्जाम को क्रैक करके एक बेटर इंप्रूवमेंट करें और अपने एडमिशन को सिक्योर करें। प्रोसेस में चलते वेबसाइट पर, जो सारा प्रोसेस था प्रोसेस मैंने आपको बताया है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बेहद ही आसान है, ये वेबसाइट से होगा। अभी मैं थोड़ा सा वेबसाइट पर चल के थोड़ा सा प्रोसेस आपको जो सारा क्राइटेरियाज वगैरह बता दिया था, लेकिन जो डेट वगैरह है इंपॉर्टेंट डेट वगैरह भी हम लोग वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं किस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह को डाउनलोड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गूगल के क्रोम ब्राउजर पर चलेंगे और वहां पर टाइप करेंगे NTA।
सो गाइस, मैं अभी गूगल के क्रोम ब्राउजर पे हूँ और यहाँ पे NTA मैंने सिंपली टाइप किया। NTA टाइप करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मेन इंटरफेस आता है। यहाँ से आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। नीचे की ओर स्क्रॉल करने पे यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है अबाउट NTA एंड एक सेक्शन मिलता है लेटेस्ट NTA। लेटेस्ट NTA के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ का जो सेक्शन है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आगे की ओर फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड करते हैं यहाँ पे कई प्रकार के नोटिस आ जाते हैं और इसी नोटिस के सीरीज में जो फर्स्ट नोटिस है जिसमें मेंशन किया गया है आपको रिलेटेड टू जो आपका जो सीमेंट का जो डिटेल्स है, सीमेंट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए नोटिस है, तो इसी सेक्शन में आपको सबसे टॉप फर्स्ट कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रीड मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं फाइनली हम लोग के पास PDF जनरेट हो जाएगा। चलिए PDF को डाउनलोड करके फिर आपको फर्दर दिखाते हैं। सो गाइस, फाइनली इसका PDF डाउनलोड हो चुका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। ऊपर की ओर आपको लोगो मिल जाएगा। नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते तो एक पब्लिक नोटिस है जो कि बेसिकली 16 फरवरी को ही आया था, आज 18 फरवरी है। और इसमें बताया गया था कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमेट 2022। और सीमेट 2022 के बारे में बात की जाती है, एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि एडमिशन होता है जनरली मैनेजमेंट के प्रोग्राम में इन ऑल ओवर द कंट्री। अगर ये आपके पास स्कोर कार्ड होता है तो ये बेनिफिट आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम के एडमिशन में मिलता है। ये ऑल ओवर कंट्री में आपको बेनिफिट मिलता है। आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो डेट इसके लिए जो डिसाइड किया गया है वो आपका है 16/2/2022 से 17/3/2022 तक अप टू रात के 11:50 तक। लास्ट डेट जो ट्रांजेक्शन करने का है यानी पेमेंट करने का है वो 18/3/2022 से लास्ट है 11:50 रात तक। इसके बाद अगर किसी प्रकार का फॉल्ट वगैरह हो तो करेक्शन आप कर सकते हैं 21/3/2022 तक। इसके बाद जो एडमिट कार्ड एंड जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्द वेबसाइट पे इसको अपडेट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर टाइमिंग के बारे में बात की जाए तो ड्यूरेशन आपको मिलता है 180 मिनट्स का मिलता है, यानी 180 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कह सकते हैं 3 घंटा। और जो ड्यूरेशन है वो दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, Shift 1 and Shift 2। एक शिफ्ट आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है, दूसरा शिफ्ट शाम के 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। हमसे बात की जाए क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश मीडियम में होता है इसका लैंग्वेज। और वेबसाइट का जो नाम है वो https://cement.nta.nic.in पे आपको विजिट करके ये जो सारा पूरा ऑनलाइन करने का जो प्रोसीजर है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए एग्जाम बुलेटिन, एग्जाम का जो प्रीवियस क्वेश्चन ये मार्क्स वगैरह है यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो सारा डिटेल्स आपको अपलोड है सीमेंट की वेबसाइट पे। तो आप वहाँ से जाकर के अपना क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर डिमांड हुआ तो वो सारा भी जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के जरिए से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो गाइस, ऐसा करते हैं, जो सीमेंट का जो सारा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था वो पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। किसी भी कैंडिडेट को फर्दर वगैरह अप्लाई वगैरह कराना रहे देन वो सपोर्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऑनलाइन का अवेलेबल हो सकता है। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।